HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। आरसू की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में न्याय मार्च का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित न्याय मार्च मोराबादी से चलकर हनुमू मैदान में समाप्त हुआ। आरसू की ओर से अपनी सात मांगों में पिछड़ों का आरक्षण, सरना कोर्ट सहित कई अन्य मांगों को लेकर हेमंत सरकार पर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीर है राजधानी रांची की, जहां पर न्याय मार्च करते हुए आरसू के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहाँ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं राजधानी रांची की, जहां पे आरसू के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार यहां पर मार्च कर रहे हैं और जो लगातार मुद्दे हैं वही पुराने मुद्दे लेकर जो मार्च किया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। इस स्थितियों में सुदेश जी, लगातार मार्च हो रहा है लेकिन लगातार मार्च कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिख रहा सरकार। ये सरकार जनता के प्रति असंवेदनशील सरकार है। जनता से चुनाव से पहले जिस प्रकार से कमिटमेंट करके जनादेश प्राप्त किया और जनादेश प्राप्त करने के बाद जनता को ही भूल गए, इसलिए आज पार्टी सड़क पर उतर करके सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने राज्य के जनता को जिस प्रकार से छलने का काम कर रहे हैं ये नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। ये आपका, आप बताइए, लगातार विधानसभा में भी आप आवाज उठाते रहे हैं लेकिन मुद्दे वहीं रह जा रहे हैं। निश्चित रूप से पिछड़ों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, राज्य के 1,80,00,000 जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक लगातार मुकर रहे और ये सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सही हुए। आप देखे होंगे कि 11 नवंबर 2022 को विधेयक आया, 5 महीना विधेयक के पारित होने के हो गए और अभी तक रिजल्ट शून्य। तो निश्चित रूप से आप देखें पंचायत चुनावों में 10,000 से 5 पदों पर पिछड़ों के आरक्षण को शून्य सरकार ने कर दिया। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर आरसू पार्टी चुप नहीं रहेगी, सड़क से सदन तक आंदोलन कर रही है और आगे भी मुखर होकर करेगी। देखिए, सामाजिक न्याय मार्च को लेकर झारखंड के लोगों को न्याय मिले इसके लिए हम लोग जिला स्तर से लेकर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने की। सरकार जिस प्रकार यहाँ के लोगों को जो वादा किया पूरा नहीं किया, चाहे ST हो या SC हो या OBC हो, सभी वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया, इसलिए पार्टी के द्वारा यह पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम चला जाए। झारखंड वासियों के लिए निर्माण किए, ये झारखंड वासियों के लिए कि हम लोग को हथियार जो 32 लाख के उन्हें सरकार से मांग कर रही है और सरना के जो कोड है उसको लागू कर रही है और जनजातियों का अधिकार मिले और पिछड़े जातियों के लिए सभी सात सूत्रों की जो है मांग है उसे मैं सरकार से मांग कर रही है। जो यहाँ के माफियाओं को हिम्मत है, बालू लूटने वाले को हिम्मत है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे लोगों को हिम्मत है। निश्चित तौर पे ये जो सरकार चल रही है पूरी तरीके से फ्लॉप और भ्रष्टाचार रूपी सरकार चल रही है। आज सामाजिक न्याय की यात्रा के माध्यम से इस सरकार को हजारों और लाखों के लोगों के बीच में उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। ये लगातार प्रदर्शन और विरोध होता रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें राजधानी रांची की है जहाँ पर जो विधायक हैं वो न्याय मार्च कर रहे हैं। ऐसे में आज सु लगातार सरकार का विरोध प्रदर्शन करके एक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।